बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ ये ट्रांसमिशन 92 न्यूज़ HD से देखी जा रही है, सबको 24वां रोज़ा बहुत मुबारक हो। और आज 25 की रात है, 25 रमज़ान की रात है, 25 रमज़ान भी की रात भी ताक रातों में आती है। और क्योंकि शब्बे जुमा है तो ये शब्बे कदर भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, आज 24वां रोज़ा जी, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी गीबत और चुगली के नुकसानात क्या होते हैं। ये सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्योंकि अक्सर गॉसिप्स में लगे हुए होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, उन बातों में, उन गॉसिप्स में हमें पता ही नहीं चलता कि हम बहुत सारी चुगली और गीबत कर जाते हैं। तो उसको कंट्रोल कैसे करना चाहिए, इस पर भी आज हम बात करेंगे, और उसके नुकसानात क्या क्या हैं इस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, मैं इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। हमारी प्रोफेसर नूरीत फातिमा साहिबा हमारे साथ हैं, जो आज आपको बताएंगी कि चुगली करना कितना बड़ा गुनाह है और गीबत करना कितना बड़ा गुनाह है। और जी, हमारे साथ आज हमारी नात ख्वाह हैं मरियम मुनीर, जो आपको नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमदे बारी ताला सुनाएंगी। और जी, हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है आज रमीज़ा मोइन ने। इनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूँ कि ट्रांसपेरेंट हैंड्स एक ऐसा ट्रस्ट है जो पाकिस्तान में मौजूद गरीब लोगों की सर्जरीज़ करवाता है। ये इदारा 2 साल से पाकिस्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। ट्रांसपेरेंट हैंड्स 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स भी हासिल कर चुका है, जिनमें पहला अवार्ड साउथ एशिया NGO जबकि दूसरा साउथ एशिया सोशल मीडिया अवार्ड है। बहुत आपको मुबारक हो इस बात पे, माशाल्लाह दो दो अवार्ड्स भी आपने 2 सालों में ही ले लिए। और मैं बिल्कुल आपकी तरफ भी बढ़ूंगी और बकायदा इस टॉपिक को लेके भी चलेंगे कि आप पाकिस्तान में मौजूद गरीब लोगों की और जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी सर्जरीज़ करवाती हैं, वो किस टाइप की होती हैं और किस तरह से प्रोसेस होता है, बिल्कुल इसको लेके चलेंगे। किसान किचन जी, अस्सलाम वालेकुम शेफ मुनीरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। किसान किचन में जो आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ बताती हैं ना, आज भी मैं किसान किचन की तरफ बढ़ूंगी और पता चलेगा कि आज किसान घी में और किसान कुकिंग ऑयल, सनफ्लावर ऑयल में हमें मुनीरा क्या बनाना सिखा रही हैं। बड़े मज़े मज़े की रेसिपीज़ होती हैं जी, आप लोग भी सीखते हैं, हम लोग भी सीखते हैं और हमारी नॉलेज में इजाफा होता है, क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी इस बार रमज़ान में मुनीरा ने बताई जो हमें नहीं पता थी। मतलब कुछ रेसिपीज़ मेरे लिए ऐसी थी जो नहीं पता थी, कुछ आपके लिए भी हो सकती हैं नूरीत फातिमा साहिबा, जो हमारे लिए बिल्कुल नहीं थी, और बड़ी आसानी से, बड़े ही अच्छे तरीके से मुनीरा बता देती हैं और समझने में भी कोई मुश्किल नहीं होती। शुक्रिया। अच्छा जी, बकायदा ट्रांसमिशन का मैं आगाज़ करूँ उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर दीजिए। ऐ खत्मे रसूल, ऐ शाहे ज़मन, रहमत पाले, तू जाने चमन, मौजूए सुखन रहमत वाले, ऐ खत्मे रुसुल, ऐ पाक शजर के पाक समर, और तू है कमर, ऐ पाक शजर के पाक समर, तारे है नबी, और तू माहे मुबी तेरी एक किरण
ऐ महाजबी तेरी एक किरण रहमत वाले ऐ खत्मे रुसुल ऐ उकदा कुशाए कोनो मकान तेरे वस्फ नहीं मोहताजे बयां ए उकदा कुशाए कोनो मकान तेरे वस्फ नहीं मोहताजे बयां आजिज है जुबान कासिर है दन आजिज है जुबान कासिर है दन ए रहमत वाले ऐ खत्मे रुसुल ऐ शाहे ज़मन ऐ रहमत वाले ऐ खत्मे रुसुल। सुभान अल्लाह, जजाक अल्लाह, जजाक अल्लाह। अच्छा जी, टॉपिक है जी हमारा गीबत और चुगली। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी नूरी फातिमा साहिबा कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में गीबत का मफहूम सबसे पहले बयान कर दीजिए। बहुत शुक्रिया नताशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। बहुत अहम आज का हमारा टॉपिक है और इस पर यह एतराफ़ करते हुए मुझे शर्म भी आ रही है और मैं नहीं समझती कि इसमें बंदे को जो है वो मुबालगा करना चाहिए कि ख़वातीन में यह बीमारी ज़्यादा है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि जहाँ मर्दों के लिए यह अहम है उससे ज़्यादा आज का टॉपिक ख़वातीन के लिए अहम है, क्योंकि जो बात आप शुरू में कर रही थी कि गॉसिप्स वो हमारा एक फैशन बनता जा रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा एडिशन कर दी है हमारे मोबाइल सिस्टम ने और जो पैकेजेस हैं इवन वो मैसेजेस के हैं, वॉइस कॉल के हैं, वीडियो कॉल के हैं, तो उनमें हम देखते हैं कि धड़ाधड़ बातें हो रही हैं इधर से उधर, उधर से इधर, और उसमें बिला इम्तियाज़ कोई इस पर उनको ये फील नहीं हो रहा होता। मतलब हम मैं अपने आप को भी बीच में रख के बात मैं हमेशा यही करती हूँ, मैं अपने आप को बीच में रखती हूँ कि कभी ज़िंदगी में एहसास नहीं हो रहा होता कि एक उठाया व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया और यार तुमने फलां चैनल पे फलां को देखा है वो क्या कर रही थी या कर रहा था। हाँ। मुझे सिर्फ ये बता दें ये चुगली है या नहीं। आज आज हम इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे जिसको हम समझते हैं कि नहीं नहीं कोई नहीं, ये तो ऐसी बात थी। हाँ, और ऐसे बात नहीं होती। देखें, इस्लाम इतना कंप्लीट, इतना खूबसूरत दीन है कि इसने सुबह जागने से लेके रात सोने तक और पैदाइश से लेके, बल्कि पैदाइश से पहले से लेके मरने के बाद तक के सारे अहवाल और आदाब इंसान को सिखा दिए हैं। और उसमें ज़ुबान की एहतियात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ज़ुबान इंसान के जिस्म का बेहतरीन हिस्सा भी है और बदतरीन हिस्सा भी है। ज़ुबान किसी इंसान को अर्श पर भी बिठा सकती है और अर्श से फर्श पर भी ला सकती है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत बहुत ज़रूरी है कि
इंसान को आना चाहिए, जो हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत से अल्फाज सीख लेना बड़ी बहादुरी नहीं होती, उन अल्फाज का दुरुस्त इस्तेमाल जो है वो असल हिकमत है। और हिकमत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स, हिकमत सैयदना अली करम अल्लाह वजहो का दर्स है जो हर मोमिन के लिए ज़रूरी है। अब जो बात आपने पूछी कि गीबत और चुगली है क्या, इहयाउल उलूम में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बहुत खूबसूरती से इसको डिफाइन करते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए चुगली क्या है, उस फिर आगे गीबत उसकी सुपीरियर फॉर्म है, फिर उसकी सुपीरियर फॉर्म बोहतान है। तो हमें चुगली के बारे में सबसे पहले जानना है। चुगली नताशा उस नेगेटिव बात को कहते हैं जो किसी इंसान की गैर मौजूदगी में लड़ाई झगड़ा डलवाने के लिए की जाए, या दो इंसानों को लड़ाने के लिए और दूर करने के लिए की जाए, या वो ऐसी नापसंदीदा बात हो कि जो आप अपने मुसलमान बहन भाई के सामने नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब गीबत का तस्करा हुआ और सैयदना अली करम अल्लाह वजहो के सामने, तो रिवायात भरी पड़ी हैं इस पर। आप दोनों ने इरशाद फरमाया कि किसी नापसंदीदा बात का इजहार अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में चुगली है। और किसी ने पूछा कि अगर उसकी बुराई बयान की जाए जो उसमें मौजूद हो, तो आपने फरमाया यही तो गीबत है। वो बुराई जो उसमें मौजूद है उसको बयान करना ही तो गीबत है। और जो चुगलखोर है वो जन्नत में कभी दाखिल नहीं होगा, और जो गीबतकार है वो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और कुरान करीम में सूरह हुजरात के अंदर क्लियर कट अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि गीबत करने वाला इस तरह से है जैसे वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। कंटिन्यू करते हैं, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप आ चुके हैं वापस रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में, और ये ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ HD पे। किसान किचन में हूँ मैं, और आज किसान किचन में कुछ डिफरेंट बन रहा है। डिफरेंट ये देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये इसमें आपको बैंगन, प्याज, मिर्चें, ये चीज़ें नज़र आई हैं, और एक प्याज के रिंग के ऊपर बेसन लगा हुआ है। ये अब आपको मुनीरा बताएंगी कि ये क्या होने वाला है। बिल्कुल, आज की जो मेरी रेसिपी है वो बेसिकली है काली मिर्च की मैंने कढ़ाई बनानी है, और साथ बनाना है मैंने पीच स्मूदी और साथ कचूमर सलाद। ये मैंने एक ऑप्शनल डिश बना रही हूँ, मैंने कहा एक साथ ये भी है, अगर इजाफा हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये प्याज और मिर्चें आजकल मार्केट में ये वाली मिर्च बहुत आई हुई है जिसको कहते हैं बेसन की मिर्च, इसमें बनती है। अच्छा। इसमें सिर्फ उसका लेमन जूस निकाल दिए जाते हैं। हाँ जी, बीज निकाल के इसमें लेमन जूस, चाट मसाला लगा के इसको रख दूंगी, और फिर इसको बेसन के साथ कोटिंग करके जब फ्राई करूंगी तो ये बहुत अच्छी आपकी एक एडिशनल डिश रोटी के साथ हो जाएगी, और साथ अफतारी के साथ भी इसका एहतमाम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे बताते चलूँ कि हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है फातिमा इकबाल साहिबा ने, जो चेयरपर्सन ऑफ किडनी लॉन्च ग्रुप की चेयरपर्सन, ऑफ कोर्स चेयरपर्सन कह तो दिया था। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी और फिर कंटिन्यू करूंगी। जी बिल्कुल। अच्छा, चिकन कढ़ाई के लिए मैं बता दूं कि जो मैंने चीज़ें रखी हैं, अदरक, लहसुन, साथ में हरी मिर्च, टमाटर, साथ में कुटी मिर्च, और साथ में ये साबुत मसाले, ठीक है। इसमें मैं सबसे पहले ये चीज़ें ऐड कर दूँगी, साथ के साथ ही इसको ये अदरक जब जाता है खाली, अदरक का पानी होता है, क्योंकि पानी होता है इसका, साथ में वॉटर भी होता है, तो इसलिए परेशान नहीं होना क्योंकि यही इसका एक फ्लेवर होता है, ठीक है। इसके बाद हम इसके साथ ही टमाटर ऐड कर देंगे, और सारे मसाले तो अभी नहीं डाले। नहीं नहीं, सिर्फ अच्छा। टमाटर ऐड किए, ठीक है ठीक है। साथ में टमाटरों की प्यूरी होती है वो मैं साथ थोड़ी सी ऐड करके इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी जी, ठीक है। और ये इसका अपने आराम से ये पकेगी। टमाटरों की पेस्ट से इसका मैं निकालूंगी फ्लेवर, ठीक है। टमाटरों की एक चॉप की टमाटर डालें, बाकी टमाटरों की मैं पेस्ट निकाल के इसमें ऐड करूंगी, उससे इसका फ्लेवर निकलेगा। बेसिकली जो चिकन कढ़ाई होती है इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो हम जैसे बाहर जाते हैं तो हमें पसंद आती है कि बाहर की कढ़ाई घर की कढ़ाई से डिफरेंट होती है। एक तो उसमें प्याज नहीं मैंने ऐड किया, अगर प्याज जब मैं ऐड करूंगी तो फ्राई करके उसकी पेस्ट बना के बिल्कुल एंड में ऐड कर दूंगी। अच्छा। स्टार्टिंग में नहीं होगी। अच्छा। एक इसकी ये ट्रिप है। सेकंड, इसका जो है ये क्रश किया हुआ हम डालेंगे सूखा धनिया और जीरा, इसको मैं एंड में क्रश करके इसका फ्लेवर दूंगी, साथ में लेमन जूस ऐड करूंगी,
और साथ में जब इसको दम पे हम रख देंगे तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर निकलेगा। एक तो काली मिर्च हम डालेंगे पीसी हुई और दूसरी मैं काली मिर्च डालूंगी साबुत, उससे इसका सारा फ्लेवर निकलेगा। ठीक है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त काली मिर्च, इसको हम मटन में भी ऐसे बना सकते हैं और चिकन में भी ऐसे बना सकते हैं। और चिकन जो मेरी रेसिपी है पीच स्मूदी, पीच को मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लेंडर में इसको बना के इसकी पेस्ट ही बना ली है। ठीक है, ठीक है, इसको हम योगर्ट में मिक्स करेंगे और साथ में ड्राई मिल्क के साथ इसको फ्लेवर देंगे, वो बहुत अच्छी आपकी ठंडी सी आपकी बनी, क्योंकि पीच बहुत सख्त होता है, हार्ड फॉर्म में होता है, तो बेसिकली फिर ये खाया नहीं जाता। तो अगर आप पीच स्मूदी फॉर्म में बना लें तो बहुत अच्छा होता है। वैसे तो मैंने इसके बहुत से जूसेस भी बनाने सिखाए हैं। और थर्ड जो हम बना रहे हैं कचूमर सलाद, इसके लिए मैंने ये कटिंग कर रही हूँ अभी, आप देख सकते हैं खीरे की बिल्कुल फाइन चॉप कटिंग की है, इसकी ही सब एक जैसी कटिंग होगी, लेकिन इसमें आपने नमक ऐड नहीं करना। ठीक है, अगर आप नमक ऐड करेंगे तो ये पानी छोड़ देगा। ठीक है, और इसका वो टेस्ट नहीं आएगा। अगर आपने नमक लगाना है तो आप बिल्कुल जब आपने यूज़ करना है तो साथ रखें, आप एडिशनल जिसने भी यूज़ करना वो करें। तो ये आज हमारी बनेगी चिकन कढ़ाई। अच्छा। और ये जो मैंने आपको बताया अभी, ये मैंने कटिंग की है, इसमें मैंने बैंगन की है, बैंगन आजकल बहुत आया मार्केट में, तो मैंने कहा बैंगन है और साथ में ये सिंपल सा मैंने बेसन है जिसको मैंने अभी मिक्स करके रख दी है, और इसको मैं इसकी अच्छा ये ठीक होना चाहिए ऐसे ही। हाँ, क्योंकि वो साथ में कोटिंग हो जाएगी ना, हाँ वो चिपक भी जाएगा। और दूसरा ये अगर आपने इसको थोड़ा सा अगर आप ये भी इसकी टिप है कि अगर जिन लोगों के साथ मसला है कि उनकी कोटिंग में चिपकता नहीं है, तो एक तो उसको बीट बहुत किया जाता है, बीट आप ज़्यादा नहीं करेंगे तो नहीं चिपकेगा। ठीक है, और सेकेंडली अगर आपको क्रंची और करना है तो आप इसमें एक अंडा ऐड करते हैं। अच्छा, हाँ, और अगर आप इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें केचप और साथ में चिली जो उनकी फ्लेक्स हैं वो ऐड कर दें, तो वो उसका और एक फ्लेवर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी सिंपल आप इसको जस्ट फ्राई करना है और आपके अनियन रिंग्स, साथ में ये बैंगन, साथ में हरी मिर्च, ये बहुत अच्छा एक एडिशनल से आपकी डिश बन जाएगी। और किचन में आपको पता है ये चीज़ें आमतौर पर मौजूद ही होती हैं। जी बिल्कुल सही है जी। आप लोग जानते हैं हमारे साथ इस वक्त CEO ऑफ ट्रांसपेरेंट हैंड्स ट्रस्ट रमीज़ा मोइन साहिबा मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि उनका एक छोटा सा पैकेज देख लिया जाए। इंसानियत की खिदमत करना ही जिंदगी का असल मकसद है, और हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से दर्दमंद लोग मौजूद हैं जिनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। रमीज़ा मोइन उन्हीं में से एक हैं। आप 15 साल तक दरसो तदरीस के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम देती रहीं, और इसके बाद उन्होंने खिदमत के इस जज्बे को एक कदम और आगे बढ़ाया और ट्रांसपेरेंट हैंड्स के नाम से एक ट्रस्ट कायम किया जिसका काम पाकिस्तान में गरीब लोगों का इलाज करवाना है। इन 2 सालों में बेशुमार लोग यहाँ अपने दुखों का इलाज करवा चुके हैं। मेरा नाम कायनात है और मुझसे बोला नहीं था जाता, और डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है और मेरे माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और फिर हम ट्रांसपेरेंट हैंड्स के पास आए और इन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। अब मेरी आवाज़ ठीक है और मैं सही बोल सकती हूँ। मेरे बेटे का ऑपरेशन होना था हरनियों का, हम करवा नहीं सकते, इनके पास आए हैं, इन्होंने सारा खर्चा हमारा किया है। ट्रांसपेरेंट हैंड्स मुकम्मल सहूलियात फराहम करने से पहले मरीजों की बाकायदा जांच पड़ताल करता है ताकि मुस्तहिक लोगों की मदद की जा सके। इन बातों को सराहते हुए ट्रांसपेरेंट हैंड्स को 2 इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। बिल्कुल ठीक है जी। रमीज़ा आप ये बताइए कि क्या जहन में आया, क्या सोच के ये ट्रस्ट बनाया, कोई खुदा न खास्ता कोई हादसा हुआ था या खुद से ज़हन में आया कि मैं इस तरह से इंसानियत की खिदमत कर सकती हूँ? ऐसा सच कोई अल्लाह का शुक्र है हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम हादसात से ही गुजरते हैं, अपने सामने लोगों को मरते हुए देखते हैं। ट्रीटमेंट दरअसल इर्द गिर्द हम जब देखते थे तो ट्रीटमेंट करवाने के लिए तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जी, बहुत सारी NGOs भी बनी हुई हैं, लेकिन सर्जरी ऐसी चीज़ है कि अगर किसी को खुदा न खास्ता ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए और कहीं से भी उसको मदद ना मिल रही हो तो वो कहाँ पर जाए, उसकी एक इंसान की ज़िंदगी जा सकती है। और एक इंसान की ज़िंदगी जाने का मतलब ये है कि उसके घर में जितने लोग हैं उन सब की ज़िंदगी उससे इफ़ेक्ट हो गई है। उसके अगर बच्चे हैं तो बच्चे वो किसी हाल में नहीं रहेंगे, बीवी है, कोई भी हैं, वो सब इफ़ेक्ट होते हैं। और ये ऐसी चीज़ है कि इसका एक तो खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता है, आम आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता है। ऑल टाइप ऑफ सर्जरीज हम लोग करवाते हैं, जिसमें कि हार्ट सर्जरीज भी हैं, कैंसर पेशेंट्स की सर्जरीज भी अब करवा रहे हैं, इसके अलावा जनरल सर्जरीज भी हैं, हर तरह की सर्जरीज हैं। और इसमें सिर्फ ये नहीं कि बच्चों की हैं या बूढ़ों की हैं या
जवान लोगों की हैं, हर तरह के इसमें लोगों को भी हम केटर करते हैं। ठीक है, तो आप भी जरूरतमंद हमारे पास आ जाए। मतलब सब डॉक्टर्स को भी ऑफ कोर्स रखा है, मतलब हार्ट सर्जरी भी अगर है या ठीक है। हम इसमें इस तरह से करते हैं कि हम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं हमें वो सब्सिडाइज रेट्स देते हैं। अच्छा। और हमारे साथ उनका एग्रीमेंट होता है, उसके बाद हम वहाँ पर अपने पेशेंट्स को भिजवाते हैं और सर्जरीज होती हैं। अच्छा। और वो हॉस्पिटल ही जो हम देख लेते हैं वहाँ पर कौन से कंसल्टेंट्स हैं, कौन आ रहे हैं जो कि सर्जरीज वहाँ पर कर रहे हैं, तो उनसे वहाँ पर हम करवाते हैं। मतलब डायरेक्टली डॉक्टर के साथ नहीं हमारा लिंक होता, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर के साथ लिंक होता है, ठीक है, या सीईओ ऑफ द हॉस्पिटल के साथ होता है, और वो फिर सारी फैसिलिटीज हमारे पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम ए टू जी। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है। और दो साल पहले आपने इसको दो साल पहले जी ठीक है, और आपने इंसानियत की खिदमत के लिए ये बनाया, बिल्कुल ठीक है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि लाहौर में भी, लाहौर में ही है या किसी और शहर में भी है, या आप इसकी चेन्स बनाना चाह रही हैं? शुरू हमने लाहौर से किया था, लाहौर में हमारे हम 4-5 हॉस्पिटल्स हैं जिनके साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा साहिवाल में है, फैसलाबाद में है, रावलपिंडी में है हमारे साथ हॉस्पिटल्स जो काम कर रहे हैं। अच्छा। और सिर्फ ये नहीं कि हम इसको पंजाब में ही रखेंगे, पंजाब के बाद अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको हम सिंध में लेकर जाएँ, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो पेशेंट्स आ रहे हैं सिंध से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सही। और फिर बच्चे भी वहाँ से आते हैं, तो उन लोगों के लिए इतना रास्ता ट्रेवल करके हम तक पहुँचना, इलाज तो हमने मुफ्त करवा दिया लेकिन फिर वापस जाना, कि हमारी अराउंड 5 सिटीज में अभी अच्छा हैं, हमारी प्रेजेंस है अभी 5, और आने वाले वक्त में इसको और फैलाने का और है, बाकी सूबों में भी इसी तरह हमने इसको 1 by 1 लेकर जाना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बेसिकली आप एजुकेशनिस्ट हैं, तो इस तरफ कैसे आना हुआ और वो फील्ड आपने बिल्कुल छोड़ दी है? एक तरह से वो छोड़ी तो नहीं जाती है, देखें इसमें भी मैं अगर अपनी टीम को कोई गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ या उनको ट्रेन कर रही हूँ, तो वो भी टीचिंग का ही एक एस्पेक्ट है। इसके अलावा ये कि टीचिंग तो था मेरा पैशन था, मैंने किया इतने साल, लेकिन दूसरी तरफ ये मेरी मदर इस फील्ड से एसोसिएटेड रहीं, कुछ वहाँ से भी इनहेरिट किया। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी जो थी जिसकी यहाँ पर मेन ज़रूरत थी, बहुत सारी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं लेकिन हर कोई जानना चाहता है, पैसे देने को भी तैयार है, मदद करने को तैयार है, कि किस पर ये लग रहा है उसके, और अगर लग भी गया उसके बाद उस शख्स के साथ क्या हुई, वो बचा नहीं बचा, उसकी क्या इम्प्रूवमेंट आई है ज़िंदगी में, ये किसी को नहीं पता चलता था। इसलिए हमने इसमें टेक्नोलॉजी मेनली लेकर आए हैं, जिससे कि क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है ये, जिससे कि लोगों को पता चलता है कि ये पेशेंट है, इसको ज़रूरत है सर्जरी की, इस वक्त ज़रूरत है और यहाँ पर इसकी हो रही है, ये डिज़ीज़ है, और सर्जरी के बाद फिर उसका क्या बना, कि वो ठीक हुआ, उसकी उसमें वीडियोस हैं और रिपोर्ट्स हैं उसकी, उसके लेबोरेटरी के रिजल्ट्स, ये वो सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग जो भी है हम वेब पोर्टल पर अपनी डाल देते हैं, ताकि हर चीज़ अगले के लिए विजिबल हो कि जिसको उन्होंने सपोर्ट किया है उसकी ज़िंदगी पे क्या इसका असर आया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक सर्जरी पर कितना खर्चा आता है? लेट सपोज़ मैं अगर हार्ट सर्जरी की बात करती हूँ, तो आपका क्योंकि ऑलरेडी हुआ हुआ होता है एक पैकेज, आई थिंक उसको हम पैकेज कह सकते हैं, जो आपको एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया हुआ होता है अपने हॉस्पिटल के लिए, तो एक सर्जरी पर आपका कितना खर्चा आता है, और आप अपने ट्रस्ट के लिए किस तरह से हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, या आपके लिए लोग किस तरह से हेल्पफुल साबित होते हैं? अब जिस तरह हार्ट सर्जरी है, हार्ट सर्जरी की तो डिफरेंट, उसके अगर स्टंट है तो स्टंट का सिर्फ डलना है, उसकी और कॉस्ट होगी, अगर बाईपास है बाईपास की और कॉस्ट होगी। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि एक सर्जरी से पेशेंट गुजरा है लेकिन कोई क्रिटिकल ऐसी सिचुएशन हो गई है कि उसको एक और सर्जरी से गुजरना पड़ा, ऐसे भी हमारे पास पेशेंट थी कि जिसको ट्वाइस सर्जरी से गुजरना पड़ा, तो हर दफ़ा इसकी कॉस्ट फिर डिफरेंट होती है। लेकिन जिस तरह अगर स्टंट ही डलना है तो उसकी एक ही कॉस्ट होगी, अगर बाईपास है उसकी एक ही कॉस्ट होगी। सही, इस तरह से बिल्कुल ठीक है। हमारे वो पैकेजेस बने हुए हैं जो कि हॉस्पिटल के साथ हमने किए। अच्छा, अच्छा, अगर हम तक अप्रोच करना है, दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि कैसे अप्रोच किया जाए, एक तो वेबसाइट है, अगर मैं उसका एड्रेस आपको बता दूँ, www.transparenthands.com, वेरी सिंपल, ट्रांसपेरेंट हैंड्स आप लिख कर अगर सर्च कर लें वो भी मिल जाएगा। बिल्कुल, तो वो वहीं से अगर ऑनलाइन अगर कोई पेशेंट को सिलेक्ट करके पे करना चाहता है वो भी कर सकता है। इसके अलावा UBL में अकाउंट है ट्रांसपेरेंट हैंड्स ट्रस्ट के नाम से, वहाँ पे भी पे कर सकते हैं। और इसमें सबसे मज़े की बात यह है हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की, कि पैसा ना हमारे हाथ में आता है, ना पेशेंट के हाथ में जाता है, ना डॉक्टर के हाथ में जाता है, अकाउंट में आता है जिस भी पेशेंट के नाम आया है, और उसके बाद सीधा हॉस्पिटल के अकाउंट में जाता है। अच्छा, उस पेशेंट की सर्जरी के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसमें वो कैश हैंडलिंग आती नहीं है। ठीक है,
तो आपके साथ कितना आपका स्टाफ जो है वो पहले ट्रेंड आप करती हैं या किस तरह से आप अपने स्टाफ को लेके चल रही हैं और कितने मेंबर्स हैं आपके साथ? अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा मेंबर्स तो नहीं है, 8 to 9 मेंबर्स की टीम है। अच्छा, उसमें एक साइड पर तो वो हैं पेशेंट रिक्रूटमेंट जो कि विलेजेस में जाते हैं, सबर्ब्स में, दूर दराज इलाकों में जाके कैंप्स करते हैं और वहाँ से जिन लोगों को सर्जरी की ज़रूरत होती है उनको फिर हम लेकर आते हैं और वेरीफाई करते हैं और सारा। हमारे साथ डॉक्टर भी एक काम करते हैं जो कि हमारे साथ बैठते हैं। फिर जो हमारी वेबसाइट है उसके लिए एक टीम है जो कि उसको मॉनिटर कर रही है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अपना काम करता है जी। तो इस तरह से, और मार्केटिंग अलग है, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है वरना तो आपको पता नहीं चलेगा। मीडिया के थ्रू पता चलना बहुत ज़रूरी होता है, मार्केटिंग हम कहते भी इसको ही है या फिर इंटरनेट का वो जो आजकल ज़माना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो अलग है मार्केटिंग। हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया है? हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ अभी तक, नहीं हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं, क्योंकि वो अगर कभी आ गई ऐसी सर्जरी तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगी या कह देंगी कि ये हमारे बस का काम नहीं है? नहीं, डेफिनेटली उसको हम लेंगे क्योंकि अगर कोई ऐसा ज़रूरतमंद आता है जिसकी हम ज़िंदगी बचा सकते हैं और हमें उसके लिए हॉस्पिटल जो है हमारे साथ वो भी ताउन करता है, अच्छा हमें कंसल्टेंट उसके लिए मिल अच्छा। जाता है तो डेफिनेटली वी वुड गो फॉर दैट। बिल्कुल ठीक है। मैंने आपसे पूछा था कि आपको लोग भी आपकी मदद, आपकी ट्रस्ट के लिए मदद करते हैं, तो लोग किस तरह से आपकी ट्रस्ट के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं? लोग तो यही है कि ज़कात, कुछ अल्लाह के नाम में कुछ अतियात देने, तो वो आपका साथ साथ चल रहा है? वो चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि लोग जो हैं अब उनको ट्रांसपेरेंट हैंड्स का कुछ पता चलना शुरू हो गया है, दूसरा ट्रांसपेरेंसी भी नज़र आती है। तो वो जिस तरह भी हो सकता है, ज़कात से, सदका से, चैरिटी से, किसी तरह भी, जिस तरह भी वो मदद कर सकते हैं वो करते हैं। और इसमें एक और चीज़ ये है कि ये नहीं है कि अगर एक पेशेंट की सर्जरी का खर्चा सपोज़ 50,000 है तो 50,000 ही उसने देना है। अच्छा, उसमें ये है कि ये क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, क्राउड फंडिंग क्या चीज़ है? क्राउड फंडिंग है कि एक अगर किसी को ज़रूरत है तो सब मिलकर थोड़ी 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 उसकी मदद करते हैं। अच्छा। ये हम लोग सब अपने घरों में कर रहे हैं, हमारी कोई घर में मेड बीमार हो गई है, कोई हो गया, तो सब मिलके थोड़ा थोड़ा उसको कॉन्ट्रीब्यूट कर देते। ठीक है, सो इट्स द सेम थिंग कि अगर इतनी ज़रूरत है तो उसमें कोई 5 दे देगा, कोई 1 दे देगा, जो जितना दे सकता है उसके मुताबिक वो देगा और उसकी सर्जरी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। जब आपने बिल्कुल नया नया ये ट्रस्ट शुरू किया था उस वक्त तो कोई भी मतलब लोगों को पता नहीं था, कोई इस तरह की हेल्प करता नहीं है, मतलब कोई पैसे देता नहीं है, तो आप लोग उस वक्त भी 8-9 मेंबर्स ही थे जब शुरू किया था? नहीं, उस वक्त 8-9 मेंबर्स नहीं थे, कम उस वक्त तो बहुत कम थे, उस वक्त तो 1-2 से ही शुरुआत हमने की थी। ठीक है, मैं थी तो उस वक्त शुरू में आपको सबसे ज़्यादा मतलब कौन सी सर्जरी ऐसी थी जिसमें ज़्यादा पैसे लगने, लाइक 2 lakhs, 5 lakhs, कोई सबसे पहली सर्जरी जो आपकी, जिसको आप एक्सपेंसिव समझती हैं अपने ट्रस्ट में सबसे पहली वाली, वो कौन सी थी? वो न्यूरो सर्जरी थी, हमने एक बच्चे की करवाई थी, रिजवान उसका नाम था। अच्छा, और उसकी हमने सर्जरी करवाई थी, उसके इसमें ब्रेन में बहुत ज़्यादा वाटर एक्युमुलेट हो जाता था और सारा, तो उन्होंने ड्रेन डालकर और फिर उसको पूरा अंदर तक वो ड्रेन डालकर, तो न्यूरो सर्जरी की थी वो, ही इस फाइन। कितना खर्चा आया था उस पर? उस पर 1 lakh से ज़्यादा आया था। और अब ठीक है, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है जी। हमारे साथ फातिमा साहिबा मौजूद हैं, इनकी जिंदगी पे एक ये छोटा सा पैकेज देखते हैं। कभी कभी इंसान से ऐसी गलती हो जाती है जिसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। ये फातिमा इकबाल हैं। जब ये 22 साल की थीं और इंग्लिश में मास्टर डिग्री कर रही थीं, तो इन्हें अपने वजन को कम करने का शौक पैदा हुआ, जिसके लिए इन्होंने मुख्तलिफ देसी अद्वियात का सहारा लिया। उसके नतीजे में इनके दोनों गुर्दे काम करना छोड़ गए। फातिमा इकबाल 3 साल डायलिसिस पर रहीं, उसके बाद उन्हें ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा। फातिमा ने अपनी बीमारी में बड़े हौसले और हिम्मत का मुजाहिरा किया और आज ना सिर्फ वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं, बल्कि उन्होंने इस मर्ज में मुब्तला उन मरीजों के इलाज का बीड़ा भी उठाया जो इस महंगे इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते। इस तरह वजूद में आया किडनी लाउंज। मेरा नाम जिशान खान है। कुछ ऐसा पहले मेरे गुर्दे शिलिंग हो गए, जिसकी वजह से मैं डायलिसिस पर चला गया। मेडिसिन ट्रांसफ़र के बाद मेडिसिन इतनी महंगी होती है कि बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है किडनी लाउंज वालों ने मेरी इतनी हेल्प की। मेरा नाम आबिद है, मैं 17 साल का था जब मेरा डायग्नोसिस हुआ था। उस वक्त मेरा किडनी जो है वो फेल हो चुका था तकरीबन 90%। तो फिर मेरे पहले डायलिसिस होते रहे, फिर ट्रांसप्लांट हुआ। जब इंटरनेट पर पता चला था किडनी लाउंज का, तो फिर मैंने मैम से रब्ता किया था, तो तकरीबन तब से मुझे मेडिसिन जो है वो फ्री मिलनी है मैम की, किडनी लाउंज की तरफ से।
अब तक इस प्लेटफॉर्म से बेशुमार मरीज डायलिसिस, ट्रांसप्लांट और अद्वियात की सहूलियात हासिल कर चुके हैं। फातिमा इकबाल ने किडनी लॉन्च के लिए अब तक कहीं से कोई डोनेशन हासिल नहीं किया, बल्कि तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करती हैं। इंसानियत की खिदमत का जज्बा लिए फातिमा इकबाल बहुत बड़े इरादे रखती हैं। जी, आप लोगों ने देखा फातिमा का ये पैकेज। फातिमा ने अपना वेट कम करने के लिए कुछ सस्ती अद्वियात, या मैं कह सकती हूँ कि जिनके बारे में कुछ ऐसा रजिस्टर्ड नहीं होता। अव्वल तो वेट कम करने के लिए कोई दवाई, कोई इस तरह की चीज़ खानी ही नहीं चाहिए। मैं सबसे ये इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वेट कम करने के और भी हेल्दी तरीके हैं, तो आप उन पे जाएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त आकर साइड इफ़ेक्ट्स का ज़रूर एक ना एक मौजब बनते हैं। दूसरी बात ये कि इन्होंने 3 साल डायलिसिस पे गुजारे, इनके दोनों किडनीज फेल हो गए, फिर इन्होंने ट्रांसप्लांट कराया और ट्रांसप्लांट के बाद अब माशाल्लाह आप बिल्कुल सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रही हैं। फातिमा, सबसे पहले तो आप बहुत ही नेकी का काम कर रही हैं, आप भी रमीज़ा बहुत नेकी का काम कर रही हैं। फातिमा, आप अपना ख़र्चा खुद उठाती हैं, आपका एक ग्रुप है किडनी लॉन्च का, जो एक ग्रुप आपने बनाया है उसमें कितने मेम्बर्स हैं और आप इसको कितने अरसे से लेके चल रही हैं? जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वाज़ द ओनली वन जिसने फाइनेंशियल, मोरल, हर तरीके से अपने ग्रुप को सपोर्ट किया। बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑलमोस्ट 8 to 10, एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इज फ्रॉम माय फैमिली हु लिव अब्रॉड। अप्रॉक्सिमेट 95% ऑफ माय फैमिली लिव्स अब्रॉड। तो वैसे भी हम लोग बाहर भी जितने मेरे लाइक वी आर बेसिकली अ यूथ ग्रुप, यंगस्टर्स का ग्रुप है सारा का सारा, यंग पेशेंट्स, यंग सारे सपोर्टर्स हैं। फाइनेंशियल सपोर्टर्स के अलावा जो हम लोग फंड रेजिंग कैंपेन्स करते हैं वो UK, US, मलेशिया, जितने भी यहाँ पे मेरे सारे वॉलंटियर्स, कजन्स, फ्रेंड्स एंड ऑल, वी डू फंड रेजिंग बाई डूइंग कैंपेन्स। फंड रेजिंग होती है आपके ग्रुप में? जी, ठीक है। बट ऑब्वियसली पीपल डोंट नो, इन पाकिस्तान पीपल डोंट नो अबाउट किडनी लाउंज दैट मच। ठीक है, लेकिन ये कि वी हैव अ प्लेटफॉर्म, वी हैव अ फेसबुक पेज किडनी लाउंज से, एंड अभी हम लोग शोज भी कर चुके हैं, और दिस इज द प्लेटफॉर्म आई रियली नीड टू कन्वे माई मैसेज। I want people to get aware कि किडनी डिजीज़ जो है वो सिर्फ, इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मेडिसिन या रॉन्ग मेडिकेशन की वजह से, देर आर लॉट ऑफ कॉजेज जो कि आपके किडनी को डैमेज कर सकते हैं। डेफिनेटली, एंड किडनी डिजीज इज अ वेरी साइलेंट डिजीज, इट डोंट शो एनी सिम्टम्स, बहुत साइलेंट सिम्टम्स होते हैं इसके। सो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। बिल्कुल। और थोड़ा एक और मुझे ये मैसेज देना जो कि ज़रूरी मैं समझती हूँ, मीडिया शुड गाइड पीपल कि वो लोग रॉन्ग मेडिकेशन या जो ये जो हमारे लोकल वेंडर्स होते हैं लाइक हकीम्स, होम्योपैथ्स एंड ऑल दैट, इनकी बातों में हम जैसे कि वी वॉन्ट इमीडिएट रिजल्ट्स के 2-3 months, 4 months, 6 months में वी वॉन्ट टू लूज और गेन रैपिड वेट। मेरे पास ऐसे भी केसेस 2 फिर आए बाद में जो कि जिम एंड ऑल दैट पीपल वेंट देयर टू गेन वेट मस्कुलर। हाँ बिल्कुल, वो होता है। तो वहाँ पे प्रोटीन मेडिसिन एंड शेक्स एंड ऑल दैट, वो भी किडनी फेलियर का रीजन बनते हैं बाद में। ठीक है, तो प्रोटीन पाउडर्स भी हैं जी, एग्जैक्टली, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की जो कि जिम के लोगों के लिए, मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जिम के भी जो जितने भी जिमनेजियम यूज़ करने वाले हैं लड़कों में, मैं अक्सर मैं देखती हूँ जो प्रोटीन पाउडर लाजमी उनको इंस्ट्रक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि जी आपने अगर जल्दी जल्दी मसल्स बनाने हैं तो स्टीरॉयड, तो शुक्र है कि अब वो सजेस्ट करना छोड़ दिया हुआ, लेकिन प्रोटीन पाउडर सजेस्ट करते हैं तो मेरे ख्याल में इंस्ट्रक्टर्स भी खुदा का वास्ता है, इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो गलत आगे से आइडियाज मत दें। स्टॉप प्लेइंग विद अदर्स लाइफ्स, गलत बात है ये। जल्दी और फिर वो ये जाहिर कर रहे होते हैं कि जी ये देखें जी ये आपके मसल्स जो हैं ये हम आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो उसकी वजह से हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता। आप प्रोटीन पाउडर्स जब उनको पिलाएंगे, जो बच्चे जो लड़के जाते हैं जिम में, तो वो उसका उसका आने वाले वक्त में कितना डिसएडवांटेज है ये आप लोग नहीं जानते। अच्छा जी, इसी बात के साथ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस।
वेलकम बैक, आप आ चुके हैं वापस रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में। और लाहौर के मुज़ाफ़ात में 24वां रोज़ा इफ्तार हो चुका है, बढ़ रहे हैं हम 25वें रोज़े की तरफ। और आज क्योंकि शब जुमा है और 25 की रात है तो ये शब कदर भी हो सकती है। तो नूरीद फातिमा साहिबा ने मुझे ब्रेक में कहा था कि ये कहना बहुत ज़रूरी है कि आज की रात लाजमी वो लोग जो नहीं करते इबादत वो भी आज की रात लाजमी इबादत करें। वैसे तो हर इंसान को इबादत करनी चाहिए, वो जितनी भी हो नफली इबादत या फर्जी इबादत या जितनी भी आप कर सकें आप ज़रूर करें। और आप जागें आज की रात क्योंकि शब जुमा की रात है और ये बहुत बड़ी रात है रमज़ान की, ये आखिरी जुमे की रात है और 25वीं की रात है, ताक रात है बिल्कुल। और उसमें नताशा रात अब शुरू हो चुकी है मगरिब से, ऐसा नहीं है कि उस शुरू 12-1 बजे के बाद से हमें जागना पड़ेगा। मगरिब की नमाज के साथ भी अगर इस रात की इबादत की नीयत से दो नफल पढ़ लिया जाए तो वो इबादत में शुमार होगा। लेकिन इस रात में हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नवाफिल पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, दुआ पढ़ें, इस अशरे की दुरूद पाक पढ़ें और अल्लाह ताला को मनाएं। क्योंकि मैं आपसे जैसे बात कर रही थी कि आज रात सहरी पर जब मैं उठी तो चांद को देख के मेरा तो एकदम रोना ही निकल गया कि रमज़ान शरीफ रुखसत हो रहा है और अभी तक हमने ऐसी कोई कमाई नहीं की है जिस पर हम खुश हो सकें कि वाकई इस रमज़ान में हमने इतना अपने लिए आमाल जमा कर लिए हैं कि हम अपने आप को बख्शिश करवा सकेंगे। तो कोशिश करनी चाहिए आज की रात मिस ना हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कराची में कराची के मुज़ाफ़ात में जाने मगरिब का वक्त हो गया है, वहाँ के लोगों ने भी अफ्तारी करनी है। वी टेक अ शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप आ चुके हैं वापस रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में। और इस वक्त टाइम हुआ है किसान किचन का, और किसान किचन में जो मज़े की डिशेस तैयार की हैं ना मुनीरा ने, अब उसकी रेसिपी की बारी है। जी बिल्कुल, सबसे पहले होगी काली मिर्च की कढ़ाई। इसके लिए चिकन लिए है तकरीबन 1/2 किलो और टमाटर भी लिए 1/2 किलो। 1/2 किलो में से टमाटर जो आप उसको हाफ़ कर लें, हाफ़ कप प्यूरी बना लें और हाफ़ कप चॉप करके रख लें। काली मिर्च पाउडर 1/2 खाने का चम्मच और धनिया भी 1/2 चाय का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर वो भी 1 चाय का चम्मच और साथ में ज़ीरा पाउडर लेंगे 1/2 चाय का चम्मच। मिक्स मसाला पाउडर जो मसाले मैंने शुरू में बताए थे उन सबको मिक्स करके अपने कट्ठा अपने उसमें मिक्स कर देना है। नमक लेंगे 1 चाय का चम्मच, किसान ऑयल 2 खाने के चम्मच बड़े वाले, हल्दी पाउडर 1/2 बिल्कुल चाय के चम्मच और हरी मिर्च 4 अदद, धनिया और अदद गार्निश के लिए। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपने सब चीज़ों को इकट्ठा मिक्स करके आपने इसको भूनना है और इसको हल्के दम पर रख के पकाना है। उस पर आपने टमाटो पेस्ट डालनी है, फिर टमाटो की चॉप की टमाटोज डालने, आपकी काली मिर्च साबत और काली पीसी पीस मिर्च बिल्कुल एंड में ऐड करनी है। तो आपकी बहुत मज़े की ये कढ़ाई रेडी हो जाएगी। और इसकी एक और टिप भी है कि अगर आप इसमें योगर्ट ऐड करना चाहते हैं तो फिर टमाटर की क्वांटिटी आपने आधी कर देनी है, वो फिर सेम आपकी बहुत ज़्यादा सालन मीठा हो जाएगा। और अगर प्याज ऐड करके थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर प्याज को आपने स्टर फ्राई करके आपने उसकी पेस्ट बनानी है और वो फिर इसमें आपने मिक्स कर देनी है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, वैसे एज इट इज़ बनाएंगे तो भी आपकी बहुत अच्छी चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी बनेगी। बिल्कुल, पेट स्मूदी है, उसके लिए आड़ू लिए 1 किलो, साथ में लिए दही 1 किलो और खुश दूध लिया आपने, ड्राई मिल्क पाउडर वो भी 1 कप और शुगर सिरप लिए 3 खाने के चम्मच। इन सबको अपने इकट्ठा फॉर्म में मिक्स करने हैं, ब्लेंडर में आइस के साथ आपने करना है। आपका बहुत अच्छा पीच स्मूदी रेडी हो जाएगा। और इसकी खास बात है कि अगर आप इसमें योगर्ट के साथ थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर दें तो आपको और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। साथ में कचूमर सलाद लिए, इसमें प्याज लिए 1 अदद, टमाटर लिए तकरीबन 2 अदद और साथ में खीरे भी लिए 2 अदद, लेमन जूस इसमें ऐड किया और साथ में इसमें इसको अपने इकट्ठा टॉस करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें ना नमक डाला है ना ही इसमें मैंने इसमें ऐड की काली मिर्च, क्योंकि अगर मैं इसमें ऐड करती तो इसने पानी छोड़ देना था और वो इसकी वो फॉर्म नहीं रहती है। तो अगर आप इसको ओवर नाइट भी रखेंगे तो ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर आप सूनर डाल देंगे नमक तो नमक से प्याज और टमाटर पानी छोड़ देंगे और आपका वो जो ये सलाद है वो बिल्कुल प्रेजेंटेबल नहीं रहेगा। बिल्कुल, ये इसकी खास चीज़ है। तो ये खाना जो बनाया है किसान ऑयल में बनाया है और ये आप देखते हैं इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई रेसिपी मिस आउट होगी, जो पिछले रमज़ान में हमने इतनी अभी ये पूरे रोज़े मैंने आपको सिखाई हैं तो ये आप हमारे फेसबुक के पेज पे देख सकते हैं mykisankitchen.com में, आपको हमारी तमाम वहाँ रेसिपीज मिल जाएंगी, चिकन की, मीट की, बीफ की और इसके मीठे की भी, तो ये आप देख सकते हैं। मीठे तो बहुत ही मज़े के होते हैं, आज मैंने मिस किया है ना। हाँ, निकल मैंने ब्रेक में आज मीठा नहीं, और रोज़ मीठा खाने की ना अफ्तारी में आदत पड़ गई, आज मीठा नहीं था
आज असल में ये मैंने कर दी ना साइड डिश थोड़ी सी हाँ। तो लेकिन ये क्या इसकी भी आप देख सकते हैं कि इसके रिंग्स कितने अच्छे बने हैं, बैंगन कितने अच्छे बने हैं और मिर्च कितनी अच्छी बनी है। बस थोड़ी सी वेरिएशन, बहुत मजे के खट्टे खट्टे, थोड़ी सी बस वेरिएशन है इसकी खटाई के लिए। मैंने बताया था आपने नमक लगाना है, साथ में लेमन जूस लगाना है और कुटी ही आपने लाल मिर्च ऐड करनी है। बाकी बिल्कुल सेम वही बेसन की फॉर्म है, जो बेसन आप मिक्स करके आप उसमें ऐड करके लगाते हैं तो आपकी बहुत अच्छी एक डिफरेंट की रेसिपी रेडी हो जाएगी। और अगर आपने आलू भी ऐड करना चाहते तो आलू को भी आप इस तरह काट के या बॉयल करके आप उसको भी आप बना सकते हैं। देखो ठीक है, और मैं क्योंकि किसान किचन में हूँ तो किसान की जानिब से जो एक कैंपेन है डू गुड विद किसान, उसके बारे में भी आज मैं आपको दोबारा बताती चलूँ कि इस कैंपेन में आप बहुत आसानी से हिस्सा ले सकते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ ट्विटर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाना है ट्विटर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाना है और वहाँ पे आपने एक पेज सर्च करना है जी किसान फूड्स के नाम से। उस पर एक पोस्ट आपको मिलेगी डू गुड विद किसान के नाम से, वहाँ पे जाके आपने हैशटैग के साथ कुछ भी कमेंट कर देना है तो 50 रुपये आपकी जानिब से मदीना फाउंडेशन हॉस्पिटल में जेरे इलाज मरीजों को डोनेट कर दिए जाएंगे किसान की जानिब से। किसान के किचन में हूँ इस वक्त मैं, किसान कुकिंग ऑयल, किसान किनोला ऑयल, किसान सनफ्लावर, किसान घी, मैं इस वाले किसान की बात करती हूँ, आप कोई दूसरा वाला किसान ना समझ लें, वो बेचारा गरीब होता है किसान जो होता है। अच्छा जी, मुझे ना जरूरी तो नहीं था अगर मैंने फंबल किया था तो हंसना, मुझे वैसे जाने दिया करें। किसान में किसान की किचन में आके इस तरह की मजे मजे की चीजें होती रहती है ना। मेरे हमारे व्यूअर्स भी वेट कर रहे थे कि अभी तक कोई चुटकुला पेश नहीं हुआ तो आज आपने फिर कर दिया। ये रोज होता है और अफतारी की बात तो लाजमी होता है क्योंकि हम जब अफतारी करते हैं ना थोड़ी सी गुनूदगी सी आने लगती है तो उस गुनूदगी में ना फंबल हो रहा है, फंबल हो रहा था। चले जी ठीक है, किसान किचन हमारा कंप्लीट हो गया। मैं बढ़ूंगी अपने गेस्ट की तरफ और फातिमा मैं चाहूंगी कि आप लोगों से अपना वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा, ज़रा जो बैड एक्सपीरियंस आपका हुआ वो ज़रा शेयर करें, जो आपने वो अद्वियात खाई और वेट कम करने के लिए, और इस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उन खवातीन या उन मर्द हजरात को जो इस तरह के तरीके अपना कर अपना वेट जल्दी से कम करने की कोशिश करते हैं। हमारी कुछ सोशल एक वो स्टैंडर्ड्स बन गए हुए हैं और मीडिया प्लस और भी बहुत सारी सोशल मीडिया एंड ऑल सारी चीज़ों का बहुत सारा इसमें रोल है, जो कि हमने एक स्टैंडर्ड्स बना दिए हुए हैं लड़कों के लड़कियों के कि जी ये क्राइटेरियाज़ होते हैं आपके सोशल स्टैंडर्ड्स पूरे उतरने के लिए। तो उसके लिए अब होम्योपैथिक्स और हकीम्स वगैरह का एक हमारे दिमाग में एक बैठा हुआ है कि इनकी मेडिसिन या इनकी ट्रीटमेंट्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ऑलमोस्ट नहीं होते, लाइक लोगों को ये बिलीव है। तो दैट्स व्हाई आई वेंट टू दैट ट्रीटमेंट और मैंने जब उसको फॉलो किया ऑलमोस्ट 3 इयर्स, लेकिन उसके बाद टू अ सर्टेन पॉइंट मेरा वेट जब स्टक हो गया तो फिर मुझे किसी रिकग्नाइज जनरल फिजिशियन, उन्होंने मुझे रिकमेंड की थी वो मेडिसिन, आई विल नॉट नेम इट, तो हाँ तो वो मेडिसिन एंड आई यूज्ड इट फॉर आई गेस 4 मंथ्स मैंने यूज़ किया उसको और किडनी उस टाइम पे मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा था बट मुझे बहुत शदीद वीकनेस स्टार्ट हो गई। मेरा व्हेन आई वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल मेरा HbA4 से भी नीचे था ऑलमोस्ट, कैल्शियम वाज नील, विटामिंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हुए थे। आई वाज एडमिटेड इन द ICU एंड डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम लोग कोई लाइक गारंटी नहीं है कि बच के बाहर आएगी। अच्छा, यहां तक बात आ गई थी। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरी बॉडी के सारे मिनरल्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हुए थे और दैट्स वाई आई गॉट बायलेटरल बोन ब्रेकेज। मेरी फिर सर्जरी भी हुई बाद में 2 मंथ्स ऑलमोस्ट में फिर हॉस्पिटल में एडमिट रही। कुछ ज़्यादा ही डिजास्टरस इफेक्ट आ गया इस वजह से भी आ गया बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस। आई रियली वॉन्ट पीपल टू गेट अवेयर ऑफ एवरीथिंग। आप अपनी हेल्थ के बारे में प्लीज़ डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हेल्थ को कभी फॉर ग्रांटेड मत नहीं लेना चाहिए। जिंदगी में हर चीज़ आपको मिल सकती है, हर चीज़ वक्त के साथ साथ आ सकती है जा सकती है, बट हेल्थ वंस इट गॉन इट विल नेवर कम बैक। मैंने एक चीज़ और भी नोट किया है कि कोई भी किसी को किसी चीज़ किसी मर्ज़ के बारे में या दर्द के लिए ही चलें, कोई भी बता रहा होता है कि ये वाली दवाई ये वाली टेबलेट खा लें और लोग ख़रीद के खा लेते हैं, बजाय इसके कि खुद से आप पहले उसके बारे में अवेयर तो हो जाएं, आप पहले उसके बारे में जान तो लें। गूगल एक बड़ा आसान तरीका है, आप उस पर जाके उस दवाई का नाम लिख के उसकी पूरी हिस्ट्री उसकी पूरी नॉलेज ले सकते हैं उस दवाई के बारे में, नहीं बस चुप करके जो भी बताया वो चुप करके खा लिया। अच्छा नहीं, मैंने चुप करके खुद से नहीं खाया, आई वेंट टू अ डॉक्टर। जानने की कोशिश की थी? नहीं, मैं जनरल फिजिशियन, मैंने आपको बताया ना, अ रिकॉग्नाइज्ड जनरल फिजिशियन, आई वेंट टू दैट डॉक्टर। नहीं, वो तो डेफिनेटली आप जो उस दवाई की बात कर रही हैं, ठीक है, वो मैंने ली उनके कहने पर, ठीक है, उनकी रिकमेंडेशन पर, लेकिन बिकॉज क्योंकि मेरा जो डाइट प्लान था ना वो हकीम डाइट प्लान था, उसमें सबसे जो डिजास्टर्स इफेक्ट था कि उसमें पानी बंद था,
पानी बंद था उसमें, उनका ट्रीटमेंट यही है। आप अजीब सी बात बता रही हैं, वेट कम करने के लिए तो जब भी किसी को जितना पी सके। मैंने जब भी किसी को बताया लाइक वो तो एवरीबॉडी शॉक्ड, पानी बंद था। मैंने कहा जी आप सिर्फ कहवा ले सकते थे। ऐसे करबलाई हकीम का वैसे जो है वो आपको उनके बारे में वैसे आपको नाम लेना चाहिए ताकि जो देखने वाले हैं जो सुनने वाले हैं वो उनसे बच के रहें। हमारे मुल्क में सू करने का रिवाज नहीं है शायद, या मे बी उनको जेल कराने का रिवाज नहीं है, वरना आई वुड रियली गो फॉर दैट। अच्छा चलें, इट्स ओके, ना लें आप नाम। नहीं लेडी किसी का भी नहीं ले रही। अगर मैंने ऐसा करना होता तो आई वुड हैव गो टू द लॉयर एंड डू ऑल दैट। तो लेकिन उनका ये जो डाइट प्लान था ना, उसमें बहुत सारी डाइट ऐसी थी जो कि नट्स आर हेल्दी बट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है, नॉट अ बल्क ऑफ इट, ठीक है। और दूसरा ये कि पानी वॉज बैन, पानी ऐसे था जैसे बैन होता है, और आपको जब भी प्यास लगे तो आप कावा पी लो। एंड बीइंग अ पाकिस्तानी और हम लोग जिस नेशन कल्चर में रहते हैं, हम लोगों को आदत नहीं है कावा टाइप चीज़ें पीने की इतनी, तो उससे ये होता कि था कि फिर पानी नहीं पीना था, ठीक है छोके चलो कावा एक दो कप दिन में पी लिए। ये दो चीज़ें आपस में क्लैश कर रही हैं ना, आप एक तरफ खा रही थी दवाई और दूसरी तरफ आप कह रही थी डाइट, तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्लैश कर गई, इसी वजह से इतना डिजास्टर्स इफेक्ट हुआ था। ओहो। लेकिन ये कि एक और बात ये है कि मेरे पास जितने पेशेंट्स अभी तक आए हैं, बिकॉज आई रन माई पेशेंट ग्रुप नोन एज किडनी लाउंज, एंड किडनी लाउंज में मेरे पास अब तक जितने पेशेंट्स आए हैं मोस्टली रीनल फेलियर के बाद ही पता चलता है लोगों को कि जी ये हमारे साथ क्या हो गया। क्योंकि किडनी डिजीज़ एक ऐसा है कि आप बहुत साइलेंट सिम्टम्स होते हैं, और मैं प्लीज़ कुछ सिम्टम्स बताना चाहूँगी ताकि लोग अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो या उसको फील हो रहा है तो वो बताए। एक आपको डिजीनेस बहुत रहती है, आप बहुत टायर्ड फील करते हो, फटीग फील करते हो, आपका सर थोड़ा भारी रहता है, ठीक है, आपकी टांगों में दर्द रहता है, ठीक है, एंड आपको थोड़ा सा नॉजी और वॉमिटिंग टाइप फील होती है, लेकिन आप खाने पीने को इतना कुछ खास दिल नहीं करता, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और अच्छा, अब ये देखें ना, ये सेम सिम्टम्स माइग्रेन के हैं, वह बंदा कहाँ जाए। तो आई थिंक फॉर हेल्दी ऑप्शन आपको अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 मंथ्स बाद एक छोटा सा टेस्ट होता है, वो हाँ करवा लेना चाहिए, अपना क्रिएटिनिन चेक रखना चाहिए आपको, ताकि आपको उससे पता चलता रहे कि आपका जो है वो किडनी लेवल कितने उस पर काम कर रहा है। और फ्लूइड इनटेक आपकी मैक्स होनी चाहिए 3 to 3.5 liters तो एटलीस्ट पानी। मैं तो कहती हूँ 8 glasses 2 liters ही पी लें, बड़ी बात होती है। हाँ, लोग मोस्टली पानी का इतना ख्याल, स्पेशली हाँ, सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल हम लोग रखते। एंड ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, दीज आर द टू मेजर रीजन जिनकी वजह से रीनल फेलियर होता है। सही, तो इनका बहुत ज्यादा इनके बारे में ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली ब्लड प्रेशर, क्योंकि वो कई लोगों को होता है साइलेंट। हाँ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी किडनीज पे हम बहुत सारे अपनी ये ट्रांसमिशन कर चुके हैं, बल्कि बहुत सारे डॉक्टर्स आए जिन्होंने किडनीज फेल होने के बारे में अवेयर करवाया आप सबको, और जो डायलिसिस होता है उसके बारे में बहुत कुछ बताया, और बहुत सारे इस तरह की जो सिम्टम्स आप बता रही हैं ये हम लोग वक्तन फवक्तन अपनी इसी ट्रांसमिशन में लोगों को बताते रहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ होती है। पानी तो मस्ट है, पानी तो आप कतन नहीं छोड़ें। और मैं आपको यहाँ पे एक टिप दे रही हूँ, ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं, कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, ज़्यादा पानी पीने से वेट कम होता है, कभी वेट बढ़ता नहीं है, वेट कम होता है। इनफैक्ट कभी कभार मोटापा जो आपको ज़ाहिरी दिख रहा होता है वो चर्बी नहीं होती, वो वाटर रिटेंशन होती है, जो हमारे 90% लोगों को नहीं पता। तो मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म से आज ये भी पता चल जाए कि वाटर रिटेंशन क्या होती है, ये भी नहीं पता। पानी जब जिस्म में इकट्ठा हो जाता है हमारा कम पानी पीने की वजह से, तो जिस्म फूलने लगता है, वो चर्बी नहीं होती, वो वाटर रिटेंशन होती है। उसका हल सिर्फ इतना है कि आप पानी ज़्यादा पियेंगे, जितनी बार आप यूरिन पास करेंगे आपकी बॉडी का पानी जो है एक्स्ट्रा जो जमा हुआ है बॉडी में वो निकलता जाएगा, आपका वेट कम होता जाएगा, आप श्रिंक होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये सब लोग आज नोट करें, एक वीक के बाद आपने एक वीक पूरा पानी पीना है ज़्यादा से ज़्यादा, और एक वीक के बाद आपने मेरे ही शो में, मेरे मॉर्निंग शो में रोशन सवेरा में आपने मुझे कॉल करके बताना है ईद के बाद कि आपको कितना फ़र्क पड़ा है। अच्छा जी, रमीज़ा आपकी इस काविश में आपका साथ कोई और भी दे रहा है या आप अकेली ही हैं जो इसको रन कर रही हैं? मेंबर्स का तो आपने मुझे बता दिया जो आप लोग सब मिलकर कर रहे हैं। हमारे साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और ऑब्वियसली मेरी फैमिली, उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शुरू में तो डोनर्स भी नहीं थे, ऐसा और भी कुछ नहीं था, तो खुद ही सपोर्ट करते थे जी। सो इस तरह से शुरू में तो थोड़े से लोग थे, लेकिन उसके बाद आहिस्ता 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 बढ़ते गए जो कि इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आने वाले वक्त में क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं अपने इस इदारे को लेकर, ट्रस्ट को लेकर? अच्छा, ये बल्कि बड़ा खूबसूरत सा एक नाम आपने रखा है, ट्रांसपेरेंट हैंड्स,
इस पे क्या सोचा और क्या सोच के रखा ट्रांसपेरेंट एंड, क्या था इसके पीछे मकसद? इसके पीछे मकसद ये था कि आज तक जो लोगों को शिकायत रही हैं एनजीओ से, ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, वो यही रही हैं लोग कि हमने पैसा तो दे दिया, पता नहीं उन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया, किसी पर हुआ भी कि नहीं हुआ, खा गए कि नहीं। तो हमने ट्रांसपेरेंट हैंड्स इसलिए रखा क्योंकि हम एक एक चीज़ दिखाते हैं, ट्रांसपेरेंसी है कि आपने इतने पैसे दिए, ये आपके यहाँ पर स्पेंड हुए हैं और उसके बाद उस पेशेंट की क्या कंडीशन है। सो इट्स ऑल ट्रांसपेरेंट कि एक एक पैसा आपका कहाँ पर खर्च हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अपने इदारे को दूसरे इदारों से कितना डिफरेंट समझती हैं काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कितना बेहतर काम आपका इदारा कर रहा है और बाकी इदारे उस तरह से काम नहीं कर पा रहे? बाकी इदारों को मैं क्रिटिसाइज़ तो नहीं करूँगी, हर कोई अपनी अपनी जगह पूरी एफर्ट कर रहा है, लेकिन हम में और उनमें सिर्फ जो मेन फ़र्क मैं समझती हूँ वो ये है कि हम लोग क्लियरली बता देते हैं कि आपके पैसे जो हैं, एक तो ये सबसे बड़ी बात ये कि सर्जरी पे काम करें, हर तरह की सर्जरी हम करवा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और अभी तक इदारा है जो हर तरह की सर्जरी केटर कर रहा है। दूसरी चीज़, वेब प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ट्रांसपेरेंसी शो करते हैं, पेशेंट जिसको ज़रूरत है सर्जरी की, जिसकी होनी है और जितने पैसे रिक्वायर्ड हैं वो भी पता चल जाता है, और फिर उसके बाद जब आप उसको देते हैं एक दफ़ा अमाउंट, वो भी नज़र आ रहा होता है और उसकी सर्जरी हुई है, कहाँ पर लगा है और सर्जरी के बाद उसकी क्या कंडीशन है, वो भी सारा आप सब नज़र करते हैं, अपडेट करते रहते हैं। ये वाली चीज़ मेरा ख्याल है अब तक मिसिंग है, क्योंकि क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म जिसको अपडेट नहीं करते हैं, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर में फर्स्ट टाइम हम लोग लेकर आए हैं, ट्रांसपेरेंट हैंड्स लेकर आए हैं, इससे पहले अभी तक है ही नहीं है। अच्छा जी, हाँ ठीक है जी। मैं चाहूँगी यहाँ पे मरियम मुनीर एक नात का हदिया हो जाए जी। मेरी सरकार हर वेले मदीना याद आंदाए, मेरी सरकार हर वेले मदीना याद आंदाए, है दिल नो प्यार हर वेले मदीना याद आंदाए। मैं सारे रोज़े दे पुर नूर जलवे की वे भूल जावां, मैं सारे जलवे दीवे उल जावा, तेरी गलियां तेरे बाजार मदीना मदीना याद आंदाए, तेरी गलियां तेरे बाजार मदीना याद आंदाए। मैं चढ़िया कदमां विच दवो दीदार हर वेले मदीना याद आंदाए, दवो दीदार हर वेले मदीना याद।
आका बुलोंदाए मैं भी वे पच्चीसवें रोज़े की शब है जी, और ताक रातों में से एक रात है, शब जुमा की रात भी है और शब कदर की रात भी हो सकती है, तो इस रात को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बहुत सारी इबादत कीजिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।